हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिसिस के सब्जेक्ट पे मैं आ गया हूं। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर अप कर रहा हूं और देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। यह है डिसीजन ट्री का। तो डिसीजन ट्री का भी एक मोस्ट फ्रिक्वेंटली और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी, मतलब जितने भी अपने 14 के 14 वैसे तो इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन उनमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिसीजन ट्री का हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी मैं कहता हूँ कि डिसीजन ट्री की थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों में से एक क्वेश्चन तो आता ही है। अब डिसीजन ट्री अप्रोच क्या होती है? एक प्रिडिक्टिव मॉडलिंग टेक्निक होती है डेटा माइनिंग की, जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं डिफरेंट टास्क के अकॉर्डिंग जब हमारे पास उसके डिफरेंट आउटकम ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। एक तरीके की एक डेटा माइनिंग की टेक्निक है जिसमें हम डेटा को डेवलप करते हैं, डेटा को एनालिसिस करते हैं और प्रोबेबल आउटकम इमर्ज कराते हैं। लाइक कि मेरे पास किसी भी टास्क को करने के अगर 2 ऑप्शन हैं या 3 ऑप्शन हैं और उनके होने की कितनी कितनी प्रोबेबिलिटी है, यहां पर हर एक की टास्क की 40%, 0.40, 0.6, 0.5, 0.5, 0.3, 0.7, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की टोटल तो 1 ही आती है ना। और यहाँ पर अपन इसकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं 0.3, 0.5, 0.6, तो ये प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, ये प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं और इसका जब सम निकालते हैं तो अपन ए बी सी टास्क, जो अपनी ए बी सी टास्क का जो सम आ जाएगा तो अपना जिसमें प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होगी वो आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन भी बनता है, ऑलरेडी मैं इसका क्वेश्चन करवा चुका हूँ। इसकी थ्योरी भी काफ़ी बनती है कि इसमें क्या होता है कि एक डिसीजन ट्री का हम सॉल्यूशन निकालते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं पॉसिबल टूल्स का, इसके अंदर हम रूट नोड्स निकालते हैं। रूट नोड्स यानी कि जहाँ से अपना ये नोड्स स्टार्ट होते हैं, अभी मैं ग्राफ में बता दूंगा डिसीजन नोड्स में कौन से नोड के अंदर अपन जा रहे हैं। ब्रांचेस जो एरोज निकाली थी वो ब्रांचेस हैं और लीफ नोड जहाँ पर वो एंड हो रहा होता है टर्मिनल नोड्स। आ जाते हैं, डिसीजन ट्री इज अंडरस्टैंड द लॉजिकल ट्री ऑफ द रेंज ऑफ द कंडीशन एंड एक्शन विच आर डिपिक्टेड एज नोड्स द ब्रांचेस ऑफ द ट्री विद द लिंक ऑफ प्रिमाइसेस ऑफ द कंक्लूजन। यानी कि एंड में क्या आ जाएगा, हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगा। एक तरीके का कंडीशनल बेस्ड अप्रोच होती है, कंडीशनल बेस्ड हम ब्रांचेस आगे निकालते हैं। अब किसी भी पॉइंट को आगे अक्रंस करने की चांसेस है। देखिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इसकी 2 नोड निकली हुई है, C1 और D2 में नथिंग। C1 में वापस अपन जाएंगे तो 2 ऑप्शन अपन को देखने को मिलेंगे, D2, D3। फिर D2 में अपन जाएंगे तो C में अपन को ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो अपने को पास एंड में एनुअल कैश फ्लो 20 मिलियन और 30 मिलियन। यानी कि अगर मैं ये सारे ऑप्शन फॉलो करता हुआ चलूँगा, यहाँ पर जाऊँगा तो मेरे को 30 मिलियन का कैश फ्लो मिलेगा और यहाँ पर जाऊँगा तो 20 मिलियन का कैश फ्लो मिलेगा। ये हम डिसीजन ट्री से पता करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ये ब्रांचेस हो गई, ये जो दोनों अलग अलग करा, ये नोड्स हो गई, यहाँ पे बनाया, ये नोड्स हो गई। बस सिंपल सी बात है, ब्रांचेस और नोड्स 2 ही पॉइंट तो हमको याद रखने हैं, बाकी और कोई ज़्यादा इसमें चिंता करने की बात नहीं है, है ना। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है डिसीजन ट्री का? एप्लीकेशन जहाँ पर भी हमको डेटा माइनिंग का यूज़ करना हो, जहाँ पर भी डिसीजन लेना हो, यानी हर फील्ड के अंदर हम डिसीजन ट्री का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर भी हमको प्रिडिक्ट करना हो वहाँ पर, और इसके अंदर रिग्रेशन का भी यूज़ किया जाता है, रिस्क असेसमेंट करना होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना होता है, प्रोडक्शन में, प्लानिंग में, कंट्रोल में, इन्वेंट्री कंट्रोल में, सब जगह हम डिसीजन ट्री का यूज कर सकते हैं। बस इतना ही अपन को याद रखना है। ठीक है, जितने भी फील्ड आपको ये दें, प्रोडक्शन, प्लानिंग, कंट्रोल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिमांड फोरकास्टिंग, सब जगह अपन कर सकते। डिमांड फोरकास्टिंग में नहीं करोगे क्योंकि ऑलरेडी अपने पास प्रोबेबिलिटी की बनती है, तो डिमांड फोरकास्टिंग अवॉइड करो, वो प्रोबेबिलिटी के रहने दो। जबकि प्रोडक्शन प्लानिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ये 4 पॉइंट काफ़ी हो गए। मार्केटिंग एनालिसिस और कैपिटल असेसमेंट है ना, और वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो असेसमेंट, यही 5-7 पॉइंट और याद रख लेना। बाकी ये थ्योरी की ये PDF अभी आपको कुछ देर में टेलीग्राम ग्रुप पे मिली जाएगी, तो जल्दी आपकी सीरीज़ भी कंप्लीट हो जाएगी। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और इस पेपर में थोड़ा सीरियसनेस बना के रखिए जिस तरीके से अभी तक बनी हुई है। जय हिंद।